हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छठी क्लास का छठा चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे परिवेश में जहां हम रहते हैं वहां कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। उसको जो भी चेंज होते हैं हमारे चारों ओर, जो भी कुछ बदलता है हमारे चारों ओर, उसको हम परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन के जैसे उदाहरण बता सकते हो आप? कोई एक उदाहरण बताएगी? हाँ बेटा, आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम का पिघलना एक उदाहरण है ये। जैसे हमारे चारों ओर ऐसा होता रहता है, आइसक्रीम का पिघलना, का पिघलना। और कुछ उदाहरण? चीनी का जल में घुलना। चीनी का जल में, का जल में घुलना। और दूध को गर्म करना। दूध को गर्म करना, गर्म करना। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, और बताइए। मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, दूध से दही बनाना। पिघलना, दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना, आप सब जानते हैं दूध से दही। दूध में यदि कुछ वो खट्टा डाल देते हैं हम, तो उस दूध से दही बन जाता है। ये भी एक परिवर्तन है। और परिवर्तन के उदाहरण? आम का पकना। आम का पकना, आपने देखा होगा जब आम पेड़ पे लगता है तो कच्चा आम होता है, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो पक जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो ये है परिवर्तन है ये भी, आम का पकना। सीमेंट, आपने देखा होगा सीमेंट में पानी डालते हैं तो वो सीमेंट कुछ देर बाद हार्ड हो जाती है। आप देखोगे कुछ घंटों बाद या अगले दिन यदि उस गिल्ली सीमेंट को हाथ लगाकर देखोगे तो वो हार्ड हो जाती है, वो सीमेंट सेट हो जाती है। तो सीमेंट की जो सेटिंग है ये भी परिवर्तन है। पहले जो सीमेंट थी वो पाउडर की फॉर्म में थी और उसमें पानी डाल देते हैं तो कुछ घंटों बाद या अगले दिन आप देखोगे वो हार्ड हो जाती है। ये है सीमेंट की सेटिंग। और कोई परिवर्तन है? माचिस की तिल्ली को जलाना। माचिस की तिल्ली का जलना। माचिस की तिल्ली, पहले एक यूं समझो लकड़ी का एक टुकड़ा था और उसके ऊपर कुछ मसाला लगा हुआ था, जब उसको घिसते हैं तो वो जल जाती है, जलने के बाद उसकी राख बन जाती है। इसका मतलब माचिस की तिल्ली में भी परिवर्तन हुआ है, माचिस की तिल्ली का जलना। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। आप बारिश के दिनों में कहीं जा रहे हैं तो पेंट को फोल्ड कर लेते हैं, बाद में वापिस अनफोल्ड कर लेते हैं गीला होने से बचने के लिए, ये भी परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जलने लगती है, साथ में कुछ मोम साथ साथ पिघलने भी लगता है। इसी तरह से आप गुब्बारा फुलाते हो, हवा भरते हो तो वो फूल जाता है, हवा भरने पे गुब्बारा फूल जाता है, ये भी परिवर्तन है। जब हवा निकल जाती है तो वापिस गुब्बारा अपनी शेप में आ जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है परिवर्तन के। इसी तरह और उदाहरण यदि देखना चाहो, आटे को गूंदने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो वो आटे में परिवर्तन हो जाता है, या आटे से रोटियां बनाते हैं, सब्जी जो बाजार से खरीद के लाते हो या खेत से लेके आते हो पका लेते हैं काटने के बाद, और पकाते हैं घरों में, किचन में, रसोई में पकाते हैं, तो ये भी एक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह के हम परिवर्तन के हमारे चारों ओर बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब परिवर्तन के दो प्रकार हैं, ये तो परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। परिवर्तन के दो प्रकार हैं, एक होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये क्या होते हैं इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिस परिवर्तन को वापिस उसी जिस पदार्थ से बना है, जिस रंग रूप से बना है, वापिस उसी फॉर्म में लाया जा सके, वापिस उसी रूप में लाया जा सके, वापिस उसी अवस्था में बदला जा सके,
जिस अवस्था से परिवर्तन हुआ है वापिस उसी अवस्था में यदि हम ला सकते हैं तो ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिस परिवर्तन में वापिस वही अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे परिवर्तन को वापिस उसी रंग रूप उसी फॉर्म में हम वापिस नहीं ला सकते, ऐसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, उत्क्रमणीय परिवर्तन दोबारा से उसी अवस्था में परिवर्तित किया जा सके वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और वापिस उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ऐसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये कुछ परिवर्तन के उदाहरण है, ये आपने बताने हैं कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। आइसक्रीम का पिघलना, ये बताइए कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय है। आइसक्रीम पिघल जाती है, उसको फ्रीजर में दोबारा रख दो, दोबारा आइसक्रीम जम जाती है, वापिस ठोस अवस्था में आ जाती है, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध का एक बार दही बन जाता है तो दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी तरह से चीनी का जल में घुलना, चीनी जल, बिल्कुल ठीक बात है, ये उत्क्रमणीय है। चीनी जल में घोल देते हैं तो वापिस उस जो चीनी घुला हुआ पानी है उसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म कंटिन्यूस लगातार करते रहते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और हमें चीनी दोबारा प्राप्त की जा सकती है और दोबारा चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आम का पकना अनुत्क्रमणीय। आम जब एक बार पक जाता है तो दोबारा उसी आम को कच्चे आम में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध को गर्म करना उत्क्रमणीय। वेरी गुड, शाबाश। दूध को हम गर्म करते हैं, ठंडा दूध होता है, गर्म कर लेते हैं, दोबारा ठंडा हो सकता है, अब दोबारा ठंडा हो सकता है, इसलिए दूध का गर्म होना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सीमेंट की सेटिंग अनुत्क्रमणीय। सीमेंट एक बार सेट हो जाती है, दोबारा सीमेंट को पाउडर की फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, इसलिए सीमेंट की जो सेटिंग है वो कौन सा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोम का पिघलना उत्क्रमणीय। मोम को गर्म करते हैं तो पिघल जाती है, मोम को गर्म करते हैं तो पिघल जाता है मोम, उसको ठंडा करते हैं तो दोबारा सॉलिड स्टेट में, दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। माचिस की तिल्ली का जलना अनुत्क्रमणीय। वेरी गुड। माचिस की तिल्ली को जब जला लेते हैं तो वो राख बन जाती है, जलने के बाद जो उष्मा देती है और राख बन जाती है, क्या उससे दोबारा वही लकड़ी का टुकड़ा और वही उसका मसाला लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, इसलिए माचिस की तिल्ली का जलना अनुत्क्रमणीय उदाहरण है। और मैं उदाहरण कुछ बता रहा था, आप कई बार कुछ काम करने के लिए बाजू को फोल्ड कर लेते हो, तो ये बाजू का फोल्ड हुआ होना ये भी परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है, वापिस अनफोल्ड की जा सकती। गुब्बारे का फुलाना, बैलून को हवा भरकर फुला लेते हो, परिवर्तन हो गया, तो कौन सा परिवर्तन है ये, हाँ ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि उसकी हवा निकालकर दोबारा से जो वो बैलून है गुब्बारा है वापिस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, ये कौन सा उदाहरण है, उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। एक तो ये वापिस उसी अवस्था में लाने के का या न आने का जो होता है इसको तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन एक और प्रकार से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो ये आज का जो हमने बताया है क्या आपको समझ में आया है? Yes, sir. सारा समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड।